गाइस हमारा क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 21, 42, 63, 84 एंड सो ऑन इज 420. तो इसमें हमारा A1 दे रखा है हमें 21, A2 दे रखा है 42 और जो AN है वो 420 है. और हमें बताना ये 420 किस टर्म पे है, मतलब इसकी नंबर क्या है. D होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 हमारे पास 42 है और A1 21. तो 42 माइनस 21 हो जाएगा 21. अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे. AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D. AN हमारे पास 420 दे रखा है. A और A1 सेम ही होते हैं तो यहाँ पे हम 21 लिख देंगे. प्लस N हमें निकालना है तो यहाँ पे N माइनस 1 ही आ जाएगा और D हमारा निकाला है हमने 21. अब हम इस 21 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 420 माइनस 21 इज इक्वल्स टू, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 21N माइनस 21. 420 माइनस 21 हो जाएगा 399 इज इक्वल्स टू 21N माइनस 21. अब हम इस 21 को इधर ले जाके प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 399 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 21N. प्लस करके हो जाएगा 420 इज इक्वल्स टू 21N. अब यहाँ पे ये N के साथ 21 मल्टीप्लीकेशन में और यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 420 अपॉन 21 इज इक्वल्स टू N. ये कट जाएगा और हमारा N आ जाएगा 20. N इज इक्वल्स टू 20. तो हमारा N आया है 20 और इस AP की 20th टर्म होगी 420.